हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का पाठ है 13वां पाठ, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है। इस पाठ में हम रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो परिवर्तनों के वर्गीकरण की विविध जो है पद्धतियां कौन सी हैं, आपको मालूम है कि हम जो है परिवर्तन को कैसे वर्गीकृत करते हैं, आप पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तनों को आपने देखा। प्राकृतिक परिवर्तन, मानव निर्मित परिवर्तन, उपयोगी परिवर्तन, अनुपयोगी परिवर्तन, आवर्ती परिवर्तन, सब परिवर्तनों को आप पढ़ चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, आप समझते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ है विद्यमान रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसके गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जो है मूल पदार्थ की जगह पे किसी नए पदार्थ का जो है निर्माण होता है, इस तरह आपको जानकारी है। नीचे दिए गए परिवर्तनों का भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकरण करना है। परिवर्तन दिए गए हैं, कच्चे आमों का पकना, तो कच्चे आम जो है पकने के बाद इसमें जो परिवर्तन होता है, इसके मूल पदार्थ में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बर्फ के पिघलने के बाद, यानी बर्फ पानी से बनता है, पिघलने के बाद फिर वापस पानी बन जाता है, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन है। और आम का पकना ये रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह पानी का उबलना, पानी उबलने के बाद भाप बनती है, लेकिन भाप में भी पानी विद्यमान रहता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, नमक पानी में घुलने के बाद भी उसका गुणधर्म विद्यमान रहता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। हरे केले का पीला होना, क्योंकि ये हरा केला जब पीला हो जाता है, पक जाता है, तो इसमें जो है इसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन है। फल के पकने पर सुगंध आना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आलू काट पर रखने पर काला होना, ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। फूला हुआ गुब्बारा फटकर फूटना, यानी गुब्बारा फूटने पर भी ये जो है गुब्बारा का जो उसकी धातु है, उसका मूल पदार्थ है, वो विद्यमान रहता है, फटने के बाद भी ये जो है भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं। पटाखे जलाने पर आवाज होना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। खाद्य पदार्थ खराब होने पर खट्टी गंध आना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम इनको बांट सकते हैं। कोई भी रासायनिक परिवर्तन होते समय मूल पदार्थ का संगठन बदलता है, और उससे अलग संगठन वाला तथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ मिलता है। कोई परिवर्तन यह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं, इसे हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी रासायनिक परिवर्तन होते समय उसके मूल पदार्थ का जो संगठन है वो बदल जाता है, और उससे अलग संगठन वाला तथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ मिलता है। तो कोई परिवर्तन यह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो चलो इसको देखते हैं, कुछ करके देखना है। एक स्वच्छ कांच के पात्र में नींबू का रस ले लें, चम्मच में 2 बूंद नींबू का जो है नींबू का रस लें, चम्मच में 2 बूंद नींबू का रस लेकर के उनका स्वाद लें। पहले हम चम्मच में जो है थोड़ा सा 2 बूंद लेकर के उसका स्वाद ले लें पहले से। अब नींबू के रस में चुटकी भर खाने का सोडा डाल दें, वो जो नींबू का रस है उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दें, खाने वाला सोडा। अब क्या दिखाई देगा? सोडे के कणों के चारों ओर बुलबुले तैयार होते हुए दिखाई देंगे। कांच के पात्र के पास, कान ले जाने के पास ले जाने पर हमें आवाज भी दिखाई सुनाई देगी। अब कांच पात्र से 2 बूंद लेकर के उसका स्वाद लें, जो खाने पानी का सोडा डाला है, अब उस जो है रस को हम लेकर के स्वाद लें।
तो हमें कैसा लगेगा? क्या पहले जैसा खट्टा था या उसके स्वाद में कोई परिवर्तन आया? तो परिवर्तन आया दिखेगा, पहले जैसा स्वाद नहीं रहेगा। इस तरह से हम जो है कृति कर सकते हैं। इस कृति के का माध्यम से हमें ऐसा पता चलेगा, उपर्युक्त कृति में परिवर्तन होते समय अनेक विविधतापूर्ण निरीक्षण हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से निरीक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या बदलाव दिखाई देता है? बुलबुले के स्वरूप में गैस मुक्त होती है, बुलबुले के रूप में गैस निकलती है, हल्की सी ध्वनि भी सुनाई देती है, खाने के सोडे के सफेद जो ठोस कण है वे अदृश्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मूल खट्टा स्वाद भी कम अथवा नष्ट हो जाता है, नींबू का जो खट्टा स्वाद है कम हो जाता है या तो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन में एक भिन्न स्वाद का नया पदार्थ तैयार होता है, यह समझ में आता है, यानी एक नया स्वाद वाला नया पदार्थ तैयार हो जाता है। तो ऊपर की परिवर्तन अंत में जो है पदार्थ का स्वाद बदलता है, अर्थात पदार्थ का संगठन बदलता है, अर्थात इस परिवर्तन में मूल पदार्थ का संगठन बदल करके भिन्न गुण धर्म वाला नया पदार्थ तैयार होता है। इसलिए नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, ऐसा हम कहेंगे। कभी कभी रासायनिक परिवर्तन होते समय भिन्न भिन्न विविधतापूर्ण निरीक्षण हमें दिखाई देते हैं। इस आधार पर हम रासायनिक परिवर्तन हुआ यह पहचान सकते हैं। उनमें से कुछ निरीक्षण यानी यहाँ पे कुछ चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे सेब काटने के बाद काला हो गया है, तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर जो है ये भाव में भी परिवर्तन हुआ है, इधर देख रहे हैं यहाँ पे सफेद है, यहाँ पे इसके कलर में चेंज हुआ है, ये जो है रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कील के रंग में भी परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे जंग लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो इस तरह परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे लकड़ी है, लकड़ी जल नहीं रही है, आग नहीं हो रहा है, यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। केला पक गया है यानी परिवर्तन हुआ है, यहाँ भी देखेंगे तो इसी कलर में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे गैस निकल रही है। तो इस तरह से हम बहुत सारे परिवर्तनों को देख सकते हैं, इनमें रासायनिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। रासायनिक परिवर्तन और शाब्दिक समीकरण भी देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन और उनके शाब्दिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन होते समय मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलकर भिन्न रासायनिक संगठन वाला भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ तैयार होता है। रासायनिक संगठन की अचूक जानकारी प्राप्त होने पर रासायनिक परिवर्तन के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय मूल पदार्थ का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, उसी प्रकार तैयार हुए नए पदार्थ का नाम व रासायनिक सूत्र इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर होने वाला रासायनिक परिवर्तन ये नींबू के रस में उपस्थित साइट्रिक अम्ल में होता है और तैयार होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। खाने का सोडा जब मिलाया गया तो जो परिवर्तन हुआ वो नींबू के अंदर चूंकि साइट्रिक अम्ल होता है उसके कारण हुआ, और जो गैस तैयार हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुई। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम निम्नलिखित शाब्दिक समीकरण लिख सकते हैं। जो है जो शाब्दिक समीकरण हुआ उसको इस तरह से लिख सकते हैं। नींबू के अंदर जो साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट यानी जो है खाने का सोडा है, और ये जो है नींबू का रस है, नींबू का रस अम्ल है, खाने का सोडा क्षारक है। दोनों मिलाने पर दोनों के मिलने से यानी कौन सी अभिक्रिया हुई, दोनों की अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट का निर्माण हुआ। जो मिश्रण बना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट का मिश्रण बना, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखेंगे और जो है लवण को लवण, इस तरह सोडियम साइट्रेट को लवण लिखेंगे। तो यह उदासीनी करण की अभिक्रिया हुई, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ये है हमारा शाब्दिक समीकरण। ध्यान देने वाली बातें हैं,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का पहला चरण अर्थात संबंधित पदार्थ के नामों का उपयोग कर शाब्दिक समीकरण लिखना। जो भी हम लिखते हैं रासायनिक जो समीकरण उसको कैसे लिखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो पहला चरण है अर्थात संबंधित पदार्थ के नामों का उपयोग करके शाब्दिक समीकरण लिखा जाता है। इसमें प्रत्येक पदार्थ के नाम की जगह उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखा तो वह रासायनिक समीकरण होता है, यानी उसके मूल नाम की जगह हम रासायनिक नाम जो है का उपयोग करते हैं तब वो रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय मूल पदार्थ को दाएं पक्ष में तथा तैयार हुए नए पदार्थ को दाएं पक्ष में लिखते हैं और बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीर की दिशा जो है नए पदार्थ की ओर होती है, यह अभिक्रिया की दिशा दर्शाने वाला तीर यानी बाण है। तीर के बाएं पक्ष में लिखे मूल पदार्थ अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, उन्हें अभिक्रिया कारक या अभिकारक भी कहते हैं। अभिक्रिया के कारण तैयार होने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में उत्पाद की जगह तीर के दाएं पक्ष में होती है, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बाईं तरफ और जो उनकी अभिक्रिया होने पर जो नया पदार्थ बनता है वो जो है दाहिनी तरफ तीर की दाहिनी तरफ लिखा जाता है। इस तरह से समीकरण दिखाते हैं। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन हम देख कौन कौन से देखते हैं। अपने चारों ओर हमारे शरीर में, घर में, प्रयोगशाला में हमें बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो है शाब्दिक और रासायनिक समीकरण जिनका हम लिख सकते हैं, ऐसे रासायनिक परिवर्तन हम देखे हैं यानी इनको हम लिख सकते हैं। प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन को जो है प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला हम श्वसन, श्वसन यानी सांस को लेना और सांस को छोड़ना। श्वसन, श्वसन हमारे जीवन में निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है। इस क्रिया में हम श्वास के द्वारा हवा अंदर लेते हैं और श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गैस और पानी की भाप यानी वाष्प बाहर छोड़ते हैं। तो गहन अध्ययन की बात जो है ये समझ में आया सबको कि श्वास लेते समय हवा की ऑक्सीजन का कोशिका की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का शाब्दिक और रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण समीकरण का संतुलन नहीं किया गया है, यानी जो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कोशिका में ग्लूकोज है और जो हवा है उसमें जो है ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का अभिक्रिया होने पर यानी श्वसन हो रहा है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसका रासायनिक समीकरण बना कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज को C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ये जो है अभिक्रिया करने के बाद श्वसन में अभिक्रिया हो रही है तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2 यानी पानी, ये जो है रासायनिक समीकरण इस तरह से लिखा जाएगा। और शाब्दिक समीकरण इनका इस तरह लिखा जाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यानी श्वसन हो रहा है और तीर से दाहिनी तरफ तीर का निशान होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण हो रहा है। तो इनका जो है ग्लूकोज के लिए CH C6H12O6 लिखा जाएगा, ऑक्सीजन का O2 लिखा जाएगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दिखाया जाएगा, पानी को H2O से दिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण बना। करके भी देख सकते हैं कुछ जो है, और एक परकलन में ताजा चूने का पानी लेकर के यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का द्रव, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकर के उसमें फूंक नली द्वारा फूंकने पर कुछ समय के बाद क्या दिखाई देगा, रंगहीन चूने का पानी हमें दुधिया हुआ दिखेगा क्या, और थोड़ी देर बाद हमें सफेद
अघुलनशील पदार्थ परख नली के तल में जमा हुआ दिखाई देगा। यह कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप यानी शेष है। तो चूने का पानी दुधिया होता है, इसका अर्थ उसमें फूंक द्वारा मिली गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। फूंक मारने से उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई है। इसका जो है अब क्रिया कैसे हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों का क्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का निर्माण हो रहा है। इसको जो है रासायनिक समीकरण यानी शाब्दिक समीकरण की रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हम इसको दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो है CO2 इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर ये जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको लिखेंगे CaOH, OH पोस्ट में रहेगा, OH ये जो है टू होगा। और ये फिर हम इसको तीर से दिखाएंगे, तीर से दिखाने के बाद ये बनेगा CaCaCO3 और प्लस H2O। ये हो गया हमारा पानी और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 से दिखाया जाएगा। ये CO हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो है CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CA है OH भी ब्रैकेट में दिखाया जाएगा OH2। ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मिलकर ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहे हैं और ये पानी बन रहा है। इस तरह से इसका रासायनिक सूत्र दिखाया जा सकता है। इसी तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कैसे दिखा सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ऐसा हम जानते हैं। इस प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन के लिए शाब्दिक समीकरण तथा रासायनिक समीकरण असंतुलित रूप से निम्न प्रकार से हम लिखते हैं। शाब्दिक समीकरण उसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का की अभिक्रिया होने पर यानी सूर्य प्रकाश और हरित लवक, सूर्य प्रकाश और हरित लवक मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। इसको हम रासायनिक रूप से कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 और पानी को H2O यानी सूर्य प्रकाश और हरित लवक मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज हो गया C6H12O6 और ये ऑक्सीजन हो गया O2। इस तरह से इनका इनको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और शाब्दिक समीकरण के रूप में इस तरह हम लिखते हैं इनको। इस तरह से ये जो है हमारा ये प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में हमने देखा, इनको कैसे हम लिखते हैं। अभी हम आगे मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।